दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीरी को एक ऐप समझते हैं। वे हमेशा यही सोचते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं या फिर जिनके पास बेशुमार दौलत है उनके बच्चे सिर्फ अय्याशियां ही करते हैं और इस तरह के लोगों के बच्चों को बिगड़ैल अमीर ज्यादा कहा जाता है। मगर दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त में सऊदी अरब के कुछ अमीर ज़ादों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और उसका कारण उनकी बेशुमार दौलत, अनोखे और अजीब शौक है जिसमें करोड़ों की लग्जरी गाड़ियाँ, लाखों रुपए की कीमती घड़ियाँ, महंगे कपड़े, मॉडिफाइड कार जिनमें सोने की कारें और सोने की परत वाले प्लेन भी शामिल हैं। इन अमीरजादों से मिलने के लिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज खुद इनके घर पर आती हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज आपको सऊदी अरब के दो ऐसे ही सबसे अमीरजादों की वीडियोस दिखाएंगे जो अपनी एक रात की खुशी के लिए करोड़ों अरबों रुपयों को एक चुटके में खर्च कर देते हैं। मगर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि दूसरे नंबर की अमीरजादे के शौक तो ऐसे हैं जिन्हें जान आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस भी आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों अगर हम सऊदी अरब के इतिहास पर नजर डालें तो सऊदी अरब के प्रिंस हमेशा बुजुर्ग ही रहे हैं, मगर हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने अपने बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आपको बता दें कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुनिया में अपनी ऐश परस्त जिंदगी और महंगे शौक को लेकर बहुत ही फेमस हैं। पहली मर्तबा प्रिंस सलमान दुनिया की नजरों में उस समय आए जब उन्होंने हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कर्नस सेन को उनके साथ एक रात बिताने के लिए 65 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। असल में किम के पति ने ट्विटर पर यह ट्वीट किया था कि उन्हें पैसों की तंगी से गुजरना पड़ रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रिंस सलमान ने उन्हें ऐसा ऑफर दिया था। हालांकि जब मीडिया में ये बात उछली तो प्रिंस सलमान ने इस बात पर चुप्पी साध ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सलमान की कुल दौलत 3000 अरब डॉलर है। आप एक बात से उनकी अय्याशियों का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिंस सलमान ने अपनी एक बर्थडे पार्टी में एक ही रात में 52 करोड़ रुपए का खर्च कर दिया था। अब वलीद बिन तलाल। अब वलीद का जन्म सन 1995 में सऊदी अरब के एक राजघराने में हुआ था। उनकी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी और कई और बिजनेस हैं, जिनसे उन्हें करोड़ों अरबों रुपए की आमदन होती है। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी पूरी दुनिया में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अब वलीद के पास दुनिया का सबसे महंगा प्लेन है, जिसका कारण यह है कि इस प्लेन के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। अब वलीद के पास कुल दौलत 17 अरब डॉलर है, जिसके कारण ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। प्रिंस अब वलीद भी प्रिंस मोहम्मद की तरह ही अपनी अय्याशियों पर खूब पैसा उड़ाते हैं। प्रिंस अब वलीद की कंपनी में ज्यादातर महिलाओं को नौकरी आसानी से मिल जाती है। इनकी कंपनी में कम से कम 2/3 एम्प्लॉई महिलाएं ही हैं। अब वलीद के पास 300 महंगी कारों का कलेक्शन है, जिनमें से कई कारों पर सोने की परत चढ़ी हुई है। अब वलीद अपनी दरिया दिली के लिए भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, क्योंकि प्रिंस अब वलीद ने भारत में 2004 में आए भूकंप और सुनामी से पीड़ित लोगों के लिए $17 मिलियन का दान दिया था। दोस्तों आप अपने कमेंट में हमें प्लीज ये जरूर बताएं कि ये लोग क्या अपनी जगह पर सही हैं या नहीं। यस और नो में अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।